हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टअप विद आप लोग साथ में चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पिछले सेशन आपको दोस्तों कैसा लगा, जिसमें आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, जो भी इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स आपको मैं उसमें बताए थे मैं आपको उसमें करा दिया हूँ। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, वो आज मैं ख़त्म करके फिर दो तीन ज़्यादा नहीं होगा, दो तीन करके ऐसे होगा एग्जाम्पल्स बचे हुआ, उसके बाद में चलेंगे साइज में एक्सरसाइज में कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में करें, स्मार्ट कैसे कैसे करेंगे, ये सब चीज़ उसमें बाद में पढ़ने वाले हैं। और अभी आप नए चैनल में मेरे जुड़े हुए चैनल सब्सक्राइबर को लाइक और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए और ये वीडियो फिर आप वॉच कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस लेक्चर मेरा इससे पहले लेक्चर्स नंबर 22 मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बता रहे अभी कि वो क्वेश्चन सारे करा दिया हो, अगर वो आप नहीं देख पा रहे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में आपको अब सारे वीडियो मिलेगा। और जो प्रीवियस लेते हैं उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके पिछला वीडियो वॉच कर लेना। लेकिन पिछला वीडियो वॉच करने से पहले एक बार प्ले लिस्ट में जाके सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो भी शुरू किए हैं लेक्चर्स वहाँ से वो कंटिन्यू करके देखना है, और बाकी भी चैप्टर्स भी उसमें पढ़ाया गया है। आपको जो भी डाउट है उसे यहाँ पर जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं, क्या डाउट अपना जो भी है तो इजी कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो मैं मेरा फेसबुक आईडी है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में से भी डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम के भी लिंक है जहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक आईडी में मेरा प्रोफाइल अगर जैसे आप खोलिएगा तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो वहाँ से आपको जाके मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट मैसेज का, क्या डाउट है वहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सी फाउंडेशन वाले को आपको पहले बता दें कि 10th तो क्या है, मिनिमम ही आता है। 10th क्या होता है, मिनिमम आता है। 12th, 13, 14 ऐसे करके टोटल आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसलिए अब ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक एक उत्तर में एवरी करा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, ऐसे आपको समझाने वाला बहुत कम मिलता है। लेकिन आप मेरे चैनल लास्ट तक ये वीडियो में ज़रूर रहिएगा, तभी आपको कुछ नए नए क्या होता है सोचने के मिलता है। अगर थोड़ा भी आप देख के कट करोगे तो आपको सोचने के टाइम भी नहीं मिलता है, और क्या इसमें क्या है वो भी आपको समझ नहीं आता है। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि हर टीचर्स हर स्टूडेंट के मतलब क्या होता है लैंग्वेज अपना, जो मुँह से जो बोलते हैं लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट होता है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। और दूसरी बात है, इसके बाद में अब क्या आ गया, अभी तो बहुत सारे बाकी दोस्तों भी कुछ आगे बातें नहीं करना है, अभी टाइम वैल्यू बने चलेगा, कुछ और लेक्चर 3-4 लेक्चर और बन सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें एक्सरसाइज अगर इसमें ख़त्म हो जा रहा है तो हमें यूनिटी पढ़ना है। यूनिटी में भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेगा नए नए, शायद कंपाउंड टेस्ट तो आपको सबको पता था, लेकिन ऐसे भी होता है तो आपको नहीं पता, क्योंकि ट्रिक ही पता करना है ना। एक बार लर्न कर ले एक्सरसाइज में ट्रिक कैसे करेंगे वो आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। इसी वीडियो में वो कैलकुलेटर ट्रिक्स करके कोई भी ऐसे मान कर रूट निकालना ये भी निकालना, उससे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी तो हमारा लेक्चर सब बहुत तो सारे बाकी, इसलिए आपको मैं जल्दी जल्दी मतलब पहले इसी में ध्यान दिया हूँ, आगे मैं कुछ आउट ही नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कराऊंगा वो सभी। तो चलिए दोस्तों, आप कॉपी और पेन निकालिए, उसके बाद में बुक भी आपको निकालना होगा जो सी ए फाउंडेशन बच्चे में, अगर जो ट्रांसफिगरेशन बच्चे हैं तो अपना बुक अभी नहीं खोल के बैठना है, सीधा कॉपी और पेन, और मेरा जो भी बात बोला सुनना है आपको, जो है आपको स्क्रीन शॉट ले करना है या लिख करना है, उसके बाद में जो भी आपको बुक होगा उसे आपको एक्सरसाइज क्या है करना है। और जो सी ए फाउंडेशन वाले जो हमारे साथ बिल्कुल जो क्वेश्चंस कराओ साथ में ही करना है आपको, कि आपको याद भी होते रहेगा, याद इसमें प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस होते रहेगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी कॉपी और पेन निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, और साथ में दोनों जने करते हैं एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन के डाउट निकालते हैं, और जितना हो सकता है उतना शॉर्टली करेंगे। लेकिन अभी एग्जाम्पल बाकी उसको तो लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट भी समझा रहा हूँ लेकिन लॉन्ग तरीके से भी कर रहा हूँ, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, कॉपी और पेन साथ में करते हैं। और दोस्तों आप लोगों एग्जांपल्स नंबर 21 कंप्लीट करा दिए थे,
अब आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जहाँ पर ख़त्म हो गया था। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे हम जैसे जैसे आपको बुक में दे रखा है पेज वाइज, जिस पेज में जो लिखा है उस हिसाब से हम आपको कराते चलते हैं। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, ये आपको लिख के कॉपी में लिख के और समझाएंगे बहुत सही तरीके से। आइए दोस्तों, क्या पढ़ने वाले दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पढ़ें दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, कुछ बात का आपको लिखा रहते हैं। ये बहुत सिंपल दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। कुछ बातें लिखाते हैं इसके बारे में, कुछ लिखिए। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, एक मिनट दोस्तों चश्मा लगा लेता हूँ, एक मिनट सॉरी। चलिए दोस्तों, कंपाउंडेड मोर देन वंस 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 अ ईयर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर अ ईयर एक्सीड द पर एनम इंटरेस्ट रेट। दोस्तों बात किया जाए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट आपको पड़ा, इसमें भी आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कर रहे थे ना कंपाउंडिंग में एनुअली मंथली, ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होता है हाफ ईयरली और सेमी ईयरली, इसी को बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेमी एनुअली ठीक है। इसका पहले एक बार आपको फॉर्मूला इसको लिखा दिया तो क्या होता है, ई इजकल टू, इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं प्रिंसिपल ऐसा वर्ड आपको मिलेगा, इफेक्टिव रेट तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट उसी को निकालना, हमें प्रिंसिपल के क्या लेना देना, इसीलिए क्या होता है ई इजकल टू वन प्लस आर अपन 100 को पावर क्या टी और माइनस वन ठीक है दोस्तों। अगर अगर परसेंटेज में ले जाना है तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 ठीक है दोस्तों। ये किसका फार्मूला, अगर कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड क्या है एनुअली, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें क्या ये फॉर्मूला लगाना है। अगर दोस्तों सेमी एनुअली क्या करना है ये भी तो आपको जाना जरूर, बिल्कुल सेमी एनुअली है तो क्या करना है, अगर सेमी एनुअली है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख देंगे 1 प्लस आर अपन 200 पावर 2t माइनस 1, जैसे हम कर रहे थे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में उसी तरह इसमें, बस इसमें पी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्या था पी 1 प्लस आर अपन 100 के पावर t माइनस, यही था ना बिल्कुल। इसको अब इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज इंटू मल्टीप्लाई किया जाएगा
100। इसी तरह क्या बोलते हैं, क्वार्टरली का जब 4n, ये आर वाई जो 100 आपको लिखा था सो ये आर वाई 100 मीन, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ई इज इक्वल टू 1 प्लस i के पावर t माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। दोस्तों किसी किसी में ये टी है ना, यहाँ पर टी नहीं लेके एन लिखता है, तो आप ये एन माने को नंबर ऑफ ईयर्स, एन का मतलब क्या होता है नंबर, आप वही समझिएगा मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन के तो लिख देते हैं एन और टी, आपसे जो भी से डिनोट कर दिया, क्या होता है क्या लिखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आई, आई क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअल रेट, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है दोस्तों। और जो ई है, जो ये कैपिटल आपको ई दिख रहा है, इसका एक मतलब क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्या समझ आ रही कि नहीं आ रहा आपको, क्या आपको समझ आ रही कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में यही सब आते गए। यहाँ पर बस आपको एक ही समझाया, क्वार्टर का देगा तो 4 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 4t हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको इतना समझ आ ही रहा होगा, इसमें तो कुछ आपको डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतना करने के बाद हम सीधा चलते क्या करेंगे, कुछ इसमें कुछ खास ऐसे दिया नहीं, बस इसको जो रेट ऑफ इसमें क्या इफेक्टिव पड़ता है उसका फॉर्मूला दे रखा है, उस हिसाब से क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग इससे पहले कर कितना 21 क्वेश्चन तक, आप उसके बाद में आ रहे हैं 22 एग्जांपल्स में। देखिए दोस्तों 22 एग्जांपल्स, देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल्स नंबर दोस्तों 22 क्या लिखा है। आइए दोस्तों क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 22 में, ₹5,000 is invested in a term deposit scheme that pays the interest with 6% per annum compound quarterly, क्या दोस्तों quarterly बोला है ना, annually है ना, semi-annually है ना, monthly है, क्या है quarterly। What will be the interest after 1 year? हमें पहले क्या पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या होगा, और दूसरी बात क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपको समझ आया कि नहीं। इसमें क्या वाला है, उसने रो 5000 क्या क्या इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस पर क्या है 6% per annum क्या कंपाउंडेड क्वार्टरली लग रहा है, मतलब लगाना है, और तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले तो सीधा वाला क्या सीधा इंटरेस्ट कितना बनेगा वो निकालो, उसके बाद में क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हमें ये दो चीज़ आपको क्या करना है पता लगाना है। अरे दोस्त ये क्वेश्चंस के बहुत आसान तरीके से करेंगे और साथ में लिखेंगे पढ़ेंगे फिर आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए तो इसको भी करते हैं, कुछ खास इसमें क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी आपको कराना पड़ेगा क्योंकि एग्जांपल इस एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, शॉर्ट हो लॉन्ग जैसे भी आपको कराऊंगा ये। चलिए आइए करते दोस्तों इसको, दोस्तों एग्जांपल सुन लेते हैं 22। एग्जांपल्स नंबर 2 क्या वाला है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना रो 5000 क्या क्या इन्वेस्ट किया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6% per annum
कंपाउंडेड क्वार्टरली, यही दे रखा है ना? बिल्कुल यही है, बस इतना ही दे रखा है और कुछ इसमें नहीं है। तो आगे पहले हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो फॉर्मूला क्या दोस्तों आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले तो इंटरेस्ट निकालना है कि क्या होगा, दूसरे निकालना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हमें ये दो चीज़ इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला में क्या पड़े हुए हैं, पी वन प्लस आर अपन 100। अब यहाँ पर 100 लिख के लिखेंगे क्वार्टरली दोस्तों, तो क्या लिख देंगे, आर अपन 400। ए होल के पार कितना हो जाएगा, टी होता था, अब क्या लिखेंगे, 4t-1। यही है ना, क्या यही है हमारा फॉर्मूला क्वार्टरली का फॉर्मूला हमारा क्या यही है? बिल्कुल दोस्तों यही है, कुछ इसमें डाउट है नहीं। तो पी के वैल्यू रखेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, पी के वैल्यू रखेंगे फिर निकालेंगे। इसमें कुछ है नहीं, जैसे आपको नया कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि जैसे था पहले क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह है। 5000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद में क्या दोस्तों, 1 + r कितना दे रखा है, 6/400। और क्या टी कितना है, टी हमारा क्या है, 1 ईयर लिखा था। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 तो वो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए -1 के -1। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये स्टेप और समझ आया? बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं, प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, 1 + r कितना दे रखा है, 6%। और उसने लिखा था, जब कोचिंग लिखा था, व्हाट विल बी द टर्म इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इसलिए तो टी की जगह क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी लिख देते तो आपको समझ आते हैं। बिल्कुल आइए यहाँ पर भी आपको लिख देते हैं कि क्या है, टी इजकल टू भी गिवन क्या दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। समझ आए कि नहीं, समझ आए कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ आएगा। आइए इन्हें कैलकुलेट करते हैं, 5000 के 5000 बस लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6/400 करेंगे, ठीक है, 400 फिर +1 करेंगे, उसके बाद में 4 टाइम्स करें और -1 करें, कितना वैल्यू होगा डायरेक्ट कैलकुलेटर आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, तो ये 6 / क्या करेंगे, 400 करेंगे, ठीक है, उसके बाद +1 करेंगे, कितना आ रहा है, 1.015। उसके बाद 4 टाइम्स करने वाला है, एक बार मल्टीप्लाई दबाने के बाद इक्वल टू दबाएंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे 3 टाइम्स, फिर दबाएंगे 4 टाइम्स, कितना आ रहा है दोस्तों, 1.06136। और उसमें क्या करना है, -1, तो -1 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 0.06136355। यहाँ जब तक जीरो नहीं, जब जब जीरो आ जाएगा ना, तो वह उसके बाद क्या है, छोड़ देना है, तो हमें 5 5 तक लिख देते हैं, क्योंकि बुक में इसी तरह आपको दे रखा है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे कि बस पॉइंट के बाद 2 3 क्या होता है, नंबर ले लेते थे, लेकिन आप कभी कभार बुक्स में आपको दे देते, तो जब तक जीरो नहीं होता तब तक लिख, मीन्स यहाँ तक लिखना है हमें, 0.06136355 इतना लिखना है बस, ठीक है। आइए दोस्तों ये आपको लिखते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 × 0.06136355। क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या कर देना है, 5000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कितना था, 0.06136355 मल्टीप्लाई 5000, कितना हो रहा है, 306.81775। तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं, वो तो अभी मैं कैलकुलेशन ही कर रहा था, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, जब तक जीरो नहीं आता तब तक इसमें जीरो है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेंगे, ठीक है, 306.817 ऐसे था, तो हम इसको 306.82 देते, ठीक है।
क्या समझ आ रही है यार? बिल्कुल समझ आ रहा। अब इसी में हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए दोस्तों निकालते फिर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ए इज इक्वल टू, हमें क्वार्टरली में लिखना है बिल्कुल, 1 + R/1 400, 40 - 1 अगर परसेंटेज निकाल तो मल्टीप्लाई 100। क्या समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या समझ आ रही कि नहीं यार? तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा, इसमें इतना खास फॉर्मूला भी नहीं है कि जो आपको कैलकुलेशन में समझ नहीं आएगा। चलिए 1 + R के बजाय रखते हैं, R कितना है 6 है, डिवाइड 400 अपॉन में 41 1, तो 4 - 1 × 200। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी आप इतना के बराबर कैलकुलेशन किए थे यहाँ पर भी देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है ना? तो क्या अगर दो चीज़ निकालें तो क्या दोनों फिर निकालना जो नहीं, अगर दो निकालने के लिए एग्जाम में आ रहा है तो उसने आपको ये नहीं कह के देता है कि हाँ कि आप सोल्व करो, क्योंकि वहाँ पर उसको पता है कि अगर ये बच्चे देखते हैं कि दिमाग लगा रहे कि नहीं, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू देख कितना आया था, 0.06136355, बिल्कुल मल्टीप्लाई 100, बस क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या ये है जो हम कर रहे हो? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये इतना आ रहे हैं, पहले तो मान लो अगर ये परसेंटेज नहीं तो अब तो हम क्या लिखेंगे, ज़्यादा तो इतना सारे लिखेंगे नहीं क्योंकि कैलकुलेशन अब इंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.06133 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करें, हो जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई करते दोस्तों कितना होगा, 0.06131 6136, 613 जगह रखते हैं ना, मल्टीप्लाई 100 क्या दोस्तों, 6.13 क्या आ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6.13% आ रहे हैं, कितना है दोस्तों 6.13%। क्या आपको समझ आया कि नहीं है दोस्तों? क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लग रहा है कि दो दो दे रखा है निकालने, कहाँ टाइम लगा दोस्तों, कुछ टाइम ही नहीं लगा, बस ये इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, उसके बाद यही चीज़ जो निकालते यहाँ पर डालते ये भी निकालते, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है दोस्तों क्वेश्चन, इसमें सबको लगता है कि दो दो निकाला जाता है, कहाँ टाइम लगता है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तो कोई याद होगा, हाँ ये तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसे कर देंगे बस हो जाए। चलिए अब तक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते फिर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 दोस्तों, क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होगा दोस्तों, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ रू कितना डिपॉजिट करें दोस्तों, 20,000 इज डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 1 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो कंपाउंड सेमी एनुअली। दोस्तों इसमें कुछ दिया ही नहीं, इसमें क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, इसमें क्या बोला है कि हमें निकालना है अमाउंट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला है, इसने 20,000 क्या था डिपॉजिट किया था, 1 ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट 8 है और क्या है सेमी एनुअली है, तो हमें दो चीज़ निकालना है, इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इसमें क्या निकालना है, दो चीज़ निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद में क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए दोस्तों इन्हें भी हम करते हैं। ए दोस्त एग्जाम्पल्स नंबर 23, एग्जाम्पल्स नंबर 23 इसमें क्या दिया गया है, ये हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है कितना, 20,000, ठीक है, टाइम भी दे रखा है 1 ईयर,
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा दोस्तों 8% पर एनम, लेकिन ये वाला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है। क्या लिखा है? सेमी एनुअली लिखा है। अब इसमें हमें निकालना भी वही चीज़ें, दो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे, उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वही दो चीज़ें निकाले थे बस, इसमें और कुछ निकालना है ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए हम ये दोनों क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सेमी एनुअली में फार्मूला क्या होता है, आप तो कितना बार बता दिए, जरूर आपको याद होगा। बिल्कुल, क्या पढ़ा दोस्तों? पी 1 प्लस आर अपन 100 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 200। बिल्कुल, 2t-1। क्या हमारा ये कंपाउंड इसका फार्मूला है सेमिनल के? बिल्कुल यही फार्मूला है। तो आइए दोस्तों, प्रिंसिपल कितना हमारा है, 20,000। 1 प्लस आर बने को 8%, मतलब 8/200, पल पार करने का 2t1 को वन, तो 2 हो जाएगा -1। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्तों, ये बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। अब इन्हें क्या करेंगे, हमें 8/200 करेंगे, +1 करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे और -1 कर देंगे। आइए इन्हें देखते हैं, 8 डिवाइड क्या कर देंगे, 200 करेंगे, +1 कर देंगे, इसने आ गया, इसको 2 टाइम्स करें मीन्स मल्टीप्लाई के बाद, इसको 2 आने के बाद 2 टाइम्स हो जाता है, उसके बाद -1 कर देंगे, कितना रहा है, 0.0816। क्या है दोस्तों, 20,000 × 0.0816। अभी इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 20,000, 1632 आर क्या रहे, डेस्ट आ रहा है 1632। क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आ रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं? अब इसी वैल्यू से हमारा क्या निकाला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज़ निकालने के लिए बोला था। बिल्कुल, आइए नेम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालते हैं साथ में। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सेमी एनुअल लिखे कि 1 प्लस आर बाई 200 के पावर 2t-1। ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस आर के मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 में 200 होल के पावर 2-1, अगर 100% में मल्टीप्लाई 100 भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, परसेंटेज में जाना पड़ेगा ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब आइए दोस्तों, अब इसको जो भी इतना के वैल्यू कैलकुलेट किया था, ये पहले ऑलरेडी इसमें क्या किया था, कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक तो सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है। कितना आया था, 0.0816, 0.0816 मल्टीप्लाई 100, कितना है दोस्तों, कितना निकल के आ रहा है, 0.0816 मल्टीप्लाई 100, 8.16% हमारा क्या आ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, 8.16% आ रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज के है वो हमारा बच रहा है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर सही पर एंड अप करा दूंगा। जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उसमें 14-15 क्वेश्चन है, उसमें एक लेक्चर लग जाएगा लॉन्ग लेक्चर, उसमें भी मैं सारे क्या होगा कवरेज करा दूँगा। अभी स्टार्ट करेंगे तो कुछ करा के रह जाएगा, इसलिए चाह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगा। ये पहले 24 क्वेश्चन है क्या, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, हम 24 क्वेश्चन के भी समझ लेते क्या दिया गया है।
एग्जांपल्स नंबर 24 दोस्तों, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल रेट गिवन रेट। तो आपको ये दोनों से कौन सी बेटर होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो जो भी 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली देता है उसको हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, वो कितना आता है। अगर ज़्यादा आएगा तो कौन सा बेटर रहेगा, और कम आएगा तो क्या बेटर रहेगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, 3% कंपाउंड मंथली के हम निकालेंगे, क्या 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट से निकल रहा है, कौन सा बेटर है वही हमें बस निकालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन जो भी होल के पावर टू लगा पहली वैल्यू देता है कि आपको टाइम क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ जानना है इसलिए ये दे देता है आपको वैल्यू पहले ही, ठीक है। और यही निकलता वैल्यू कैसे वो भी आपको मैं कैलकुलेशन सिखा भी दूंगा, ठीक है। आइए इसको भी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एग्जांपल्स नंबर 24। एग्जांपल्स नंबर 24 में क्या कहता है दोस्तों, हमें दिया बस आर इक्वल टू 3% दे रखा है, क्या पर एनम कंपाउंडेड मंथली दे रखा है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, क्या ठीक है। तो हमें फार्मूला क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का दोस्तों, इफेक्टिव इंटरेस्ट का फार्मूला हम दे पा रखे मंथली वाला, 1+R/100 के पावर क्या है, 12 इंटू जाएगा ना पावर 12t-1 × 100। तो हमें एक निकला क्या आ जाएगा, 1+R/1200 का पावर 12-1 × 100, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब हमें इसे क्या करना, ओ सॉरी आर दे रहे थे, इसको 3 ले देते हैं, फिर दे रखे हैं। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, 3 से डिवाइड 12 करेंगे, +1 करके 12 times करेंगे, वैल्यू दे रखा है, फिर भी एक बार चेक कराता हूँ, 3 / 12 +1 × 12 times 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 कितना दोस्तों, 0.0304 अब लिखेंगे 0.0304 -1 में कर दे बिल्कुल 0.0304 × 100 कितने का क्या है, 3.04%। और उसमें हमारा क्या दे रखा था, 3.2% दे रखा था, तो कौन सा बेटर हुआ, कौन सा बेटर हुआ दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, और 3.2% क्या था बेटर हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि 3.04 आ रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ई बिंग लेस देन 3.2% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3.2% पर ईयर इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या है, 3.2% जो हमें क्या है बेटर है, बिल्कुल, क्योंकि जो निकल के आया 3.04% था और 3.2% का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक वो क्या है दोस्तों, एग्जांपल्स इंड हो रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के पढ़ लिया आपने, कैसे निकालना है फॉर्मूला पढ़ लिया, किस तरह करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। तभी के लिए मैं लेक्चर इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर्स में, और बाकी के वीडियो आपको प्ले लिस्ट पर आएगा, वहाँ से जाके आप वॉच कीजिए। कल एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, कल आप जरूर मैं क्या होता है वीडियो डालते हो, आप जरूर वॉच करना, क्योंकि
कल के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट ट्रिक है उसमें आपको सीखने वाला। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।